हाँ बोलो, कहीं क्या होता? ये बैग में वो सब सामान है जो आज तक था गरु मार वास्ते आई हो। मार घर में मार दूसरा रिश्ता ही बात चले। पर क्यों? पापा की हो बहुत इंतजार कर लियो, आज 5 साल हो गए नौकरी वास्ते। तो मारो भी मैं कहीं। तो आ है कि पापा एक आरएस में लागू लड़को देख चुकिया है जका की लुगाई 2 साल पहले कोरोना में खत्म होगी। तो थार जमीर कहीं कहवे? जमीर की हूं तो मैं भूखा मरू। पर देखो था चाहे कितो गुस्सा करो, मैं मजबूर हूँ। वो तो दिखाई दे रहा है कितने मजबूर हो। दिखे तो अच्छी बात है, पर मार माँ बापा के निर्णय के खिलाफ जाए मैं बान अपमानित नहीं कर सकूं। था सुप्रेम तो बहुत है पर मैं था सागे भाग पर ही माँ बाप को नाक नहीं कटाऊंगी। प्रीत आप सगन 5 साल हुआ है तो सोचो मैं कितो इंतजार कर लियो आपको। प्रीत मारा हाथ में हो तो नहीं हर चीज, तो मैं पेपर एक बार भी लीक नहीं हूँ। हर हाथ में सिर्फ मेहनत करनी है, बाकी फल ऊपर लार भरोसे छोड़ दी गए रामदेव। फल तो थांगी सरकार खा रही है, इस चीज में मारो भी कोई दोष को नहीं। और आपने इतने कहना है इस सदमा जल्दी जल्दी बाहर निकल जियो, मैं भगवान कामना करूँ। प्रीत सुन, थन में आज तक कोई बात कौन बताई? बात कौन बताई जकी मारमात बीत रही? थन ध्यान ही कौन मारे जीवन के बारे में? थारी मारसा के सगई है ना 4 आदमी यार क्या होना हूँ थार पापा कर दी भी। मैं पढ़ाई में अव्वल हो और मार मिडिल क्लास फैमिली और माणी इज्जत और घरानों देख पर आ बीटे। मैं सोचियो कि मैं ज्यादा शिक्षित हूँ, मारी शिक्षा और वैल्यू समझ रहा है, ई वास्ते मन लड़की दे रहा है। लेकिन आज समझ में आयो कि लोभ प्रलोभन और लालच हो भी सगाई रे पीछे। देख प्रीत, मैं थने कदी भी मारे बारे में आज तक कौन बताई, तो सुन मारी कहानी जाती जाती थने एक गम भी बताए जाऊं। तू कहना इस सदमाऊ बाहर निकल जाए जो मनोकामना करूं। प्रीत मार पापा को सपनो हो कि वे नौकरी करे, लेकिन घर की परिस्थितियां यान की होगी कि वे नौकरी नहीं कर पाया, पढ़ाई छोड़नी पड़ी बान बीच में। घर की परिस्थितियां और भाइयों रो कलेश पापा की पढ़ाई ने ले बैठो, क्योंकि दादाजी को उम्र में जाऊं तारेगा, पापा रो बाल विवाह उड़ो। पापा सोचो कि मैं नौकरी नहीं लागो तो कोई ना मारी आने वाली संतान जरूर लागी और मैं मारो सपनों पूरो कर ले एक संतान के सक्सेस होंगे पीछे। ये दुनिया में सिर्फ प्रीत एकमात्र बाप ही इंसान है वो जो को आ चाहे कि मारी औलाद आगे जावे, बाकी कोई नहीं चाहे कि मारू आगे कोई बढ़े। माँ कम उम्र में छोड़ गई प्री माँ भाई बहन, पापा माँ लोग दोनों पढ़ाया लिखाया बड़ा करिया और एक उम्मीद के सारे जिंदगी गुजारी, दूजो ब्याह नहीं करियो के ए दो है ना। और मैं नहीं लागियो नौकरी तो कहीं हुए मारी औलाद लागी ना। पापा मां लोगन पढ़ाउन खातर मारा अच्छा फ्यूचर बनाउन खातर बार कमाऊ तारिया। और काका बाबा आप री कलेश की वजह मारी बहन को इलाज नहीं कर पाया, बाबी छोड़ गई प्री माँ ने। पापा ने कैंसर है, 3rd stage चल रही है, डॉक्टर सिर्फ 6 महीना दिया है। तो जो को पेपर आउट हुई परो 2nd grade वालों मारी नौकरी नहीं ले रही है, मारजड़ा कई युवा फ्यूचर ले गई, मार बाप का सपना ले रही है। मैं पढ़ियो लिखियो होशियार इतो भी कमजोर कोनी के मारी जिंदगी नहीं गुजार सकूं। मैं कोई भी सेठ के नौकरी कर पर रुपया अच्छा खासा कमा सकूं, कोई ना कोई मैनेजर को ओहदो पा सकूं, लेकिन सरकारी जॉब सिर्फ और सिर्फ मारे बाप को सपनों पूरे करने खातिर तैयारी कर लिया। और तैयारी इतनी करी अब की बार की पेपर ने क्लियर ही करना हो बस। अर्जुन ने सिर्फ आंख दिखाई देती ना बेटा, एक मन सिर्फ और सिर्फ सरकारी जॉब दिखाई देता क्या मैं सक्सेस हूँ ना तो मारो बाप जरूर फकर हाथ बे
के मारो सपनो पूरो हुयो। और तू कहवे सदमा बाहर निकल जे जो काम ना करूं, थार जाऊं रो गम 1% भी कोनी मारा गम मुंडा के। प्रीत साथ रेवना में और साथ निभावना में रात दिन को फर्क हुआ करे। तू मन का ही जिंदगी निकाले, थार जड़ी ने मैं निकालू जिंदगी। थानदारी जिंदगी मुबारक हो। एडो जीवन साथी मन छई जे भी कोनी जगो कदी दुख में हाथ खड़ो नहीं रह सके। आज कोई भी रिश्तेदार सगा संबंधी दुख में सागे खड़ा नहीं रहे, सुख में तो पूरी दुनिया ही खड़ी दिखे। अगर मैं दुख में हूँ था मार हाथ नहीं हो ना, तो थान कोई हक भी कोनी के मार सुख में था खड़ा रहो। धन्यवाद है थान, आरएस मुबारक हो आपको। निकलो।